अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूँ अली बलोच। व्यूअर्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेरेंड के अबाउट, जेरेंड नाउन जो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी सी नाउन के बारे में डिस्कस करके आए हैं और भी हमारे पास बहुत से टॉपिक्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा जो अहम टॉपिक है वो जेरेंड नाउन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जेरेंड इज़ अ वर्बल नाउन विच इज़ मेड बाई एडिंग ing। जेरेंड जो है वो एक वर्बल नाउन है जो ing के साथ बना गया है। जब भी हम जेरेंड नाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने साथ ing इस्तेमाल ज़रूर करेगा। तो वो ing हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने पड़ेंगे? टू द वर्ब एंड ऑलवेज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, और हमेशा हमें सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करनी पड़ेगा। जब भी हम जेरेंड यूज़ करेंगे, आप एक बात याद रखें कि जेरेंड जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो या तो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट है, किताब पढ़ना अच्छी हैबिट है या अच्छा आदत है। यहाँ पे देखें, जो रीडिंग है वो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो रीडिंग अपने साथ आईएनजी भी लेके आया है, तो इसे हम कहेंगे जेरेंड। यहाँ पे देखें आईएनजी भी है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना सेहत के लिए ख़राब है। तो यहाँ पर भी देखें, ये जो स्मोकिंग है वो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो गया होगा। अगर आपको अभी तक नहीं आया है तो कमेंट्स में हमें बताएं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।